है कोफिशेंट ऑफ कपलिंग। देखो कोफिशेंट ऑफ कपलिंग क्या टर्म है, इट गिव्स द मेजर ऑफ मैनर इन विच द टू कॉयल्स आर कपल्ड टुगेदर, मतलब दो कॉयल्स आपस में कैसे कपल्ड हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि वैसे ये टॉपिक आता नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला मार्क कर लो कि कोफिशेंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला है एम म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल वन एल टू सेल्फ इंडक्टेंस। हमने क्योंकि जितने भी क्वेश्चन किए जब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को सीखा तो हमने उसमें सेल्फ इंडक्शन तो लिया ही नहीं ना, जब हम कैपिटल एम के क्वेश्चन को कर रहे थे तो एक्चुअल में कैपिटल एम के साथ साथ सेल्फ इंडक्शन भी तो हो रहा था, हमने निग्लेक्ट कर दिया। पर अगर हम निग्लेक्ट ना करें, एल वन भी लें एल टू भी लें एम भी लें, तो ऐसे केस में एक टर्म आएगी कोफिशियंट ऑफ कपलिंग। कोफिशियंट ऑफ कपलिंग में के आपको ये बताता है कि अगर के वन है कपलिंग परफेक्ट है एम मैक्सिमम है, कपलिंग परफेक्ट पता ये है ये कपलिंग परफेक्ट है, तो इस केस में कैपिटल एम बहुत हाई आएगा और के भी बहुत हाई आएगा और सेल्फ इंडक्शन कम से कम होएगी। लेकिन अगर आप बात करते हो कैपिटल एम के की वैल्यू अगर जीरो है, जीरो का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं हो रही, इसका मतलब है अगर कैपिटल एम ही नहीं हो रहा इसका मतलब इनमें म्यूचुअल इंडक्शन या दे आर लाइंग वेरी फार फ्रॉम ईच अदर या उनकी ओरिएंटेशन ऐसे है कि कैपिटल एम बन नहीं पा रहा उनका, तो कपलिंग बिल्कुल क्या हो जाएगी उनकी जीरो। तो ये जीरो और वन के बीच में लाई करता है और बताता है कि कैपिटल एम की वैल्यू कितनी बड़ी और एल वन एल टू कितना छोटा है। तो कपलिंग आपको बताता है कि कोई कैसे कपल्ड है, कोई कैसे अरेंजमेंट हो रखा है जिससे कि म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा है और सेल्फ इंडक्शन उसमें कम है। ठीक, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को नोट कर लो फॉर्मूला बुकलेट में।